अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। इस वीक का वीकली रीकैप कर लेते हैं कि इस वीक क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। सबसे पहले तो हमने देखा ये इस पूरे वीक मार्केट जो थी वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर में रही और तकरीबन थ्रू आउट द वीक मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए। तकरीबन 2000 से ज़्यादा मार्केट ने जो है वो पॉइंट्स लूज़ किए। उसका जो प्राइमरली रीज़न था वो सबसे पहले तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। लोगों को इलेक्शंस के हवाले से काफ़ी जो है वो एम्बिगिटीज़ हैं कि हालांकि ECB ने बारहा इस चीज़ का इरादा किया है कि जो इलेक्शंस हैं वो 8 फरवरी को होंगे एज पर शेड्यूल होंगे बिकॉज दैट इज़ अनाउंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट स्टिल मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से एम्बिगुइटी रही, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में जो है वो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर रहा। इसके अलावा जो रीजन में जो हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसने भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को डेंट किया। चाहे वो रेड सी में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो या जो हमारे रीजनल इश्यूज हों। रिसेंटली हमने देखा था कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और ईरान में भी एक स्टैंड ऑफ हुआ, उसकी वजह से भी कल मार्केट में एक हमें प्रेशर देखने को मिला। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को जो है वो डेंट किया। इन तमाम नेगेटिविटीज़ के बावजूद हमें लगता है कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके बुनियादी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। हमने देखा है कि थ्रू आउट काफ़ी पास सेशंस में रुपी जो है वो अगेंस्ट USD गेन कर रहा है और आज जो रुपी की क्लोजिंग आई है वो 279 के अराउंड क्लोजिंग आई, जो कि अगर हम देखें तो इस वीक काफ़ी अच्छा गेन हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो $2 बिलियन का रोल ओवर था विद UAE वो भी कम्प्लीट हो गया। और सबसे अच्छी बात जो हमारी मार्केट के लिए हुई और इकॉनमी के लिए हुई कि जो IMF के $700 मिलियन की ट्रांच थी वो भी हमें रिसीव हो गई। डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो कॉमोडिटी प्राइसेस हैं वो बड़ी नहीं हैं। ऑयल भी आपका नीचे ट्रेड कर रहा है, अरब लाइट भी अंडर 80 ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट भी अंडर 80 ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो रिचर्ड बे है वो भी अराउंड $95-96 के ट्रेड कर रहा है। कॉमोडिटी प्राइसेस का नीचे होना हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है बिकॉज उससे हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट में कमी आती है। यही वजह है कि हमने इस वीक देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस में भी कमी की और तकरीबन 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी का ऐलान किया गया। हम समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नीचे आएगी, जिसका सबसे बुनियादी रीज़न हाई बेस इफेक्ट होगा और बुनियादी तौर पर जो हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट है उसकी कमी का भी उनसे हमें देखने को मिलेगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान IMF के अगले रिव्यू से पहले मोस्ट लाइकली गैस प्राइसेस हाइक कर सकता है, वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि उससे सर्कुलर डेट में कमी आएगी। लास्ट जो गैस प्राइस हाइक हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि सर्कुलर डेट में स्पेशली जो गैस सेगमेंट है उसमें काफ़ी हद तक कमी हमें देखने को मिली थी। हम समझते हैं कि जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, नोटिसेस कंपनीज के आ रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले वीक्स में और स्पेशली द नेक्स्ट कमिंग वीक मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर सकती है। इसका बुनियादी रीज़न यही होगा कि मार्केट ने जितने भी जियोपॉलिटिकल और दूसरे किस्म के थ्रेट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। मोस्ट लाइकली अगर इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आ जाता है सो हमारी मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी। जिन सेगमेंट्स पे हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रहेगा लोगों का वो सीमेंट, स्टील और ENP सेक्टर रहेगा। इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये था हमारा इस वीक का वीकली राउंड अप। मजीद किसी भी मालूमात के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।